वेलकम टू एसएससी मेंडी जी। इस वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताना है जो एसएससी के द्वारा दिया गया है। एक है कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में, और दूसरी है बैड न्यूज। बैड न्यूज इस संदर्भ में है कि 2-3 महीने बाद जब परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी एसएससी की, तो वहां पे आपको शॉक लगेगा। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, वो परीक्षा देने चले जाएंगे, पता चला कि उनके आज एग्जामिनेशन ही नहीं है, उनको एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली अपडेट है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, आपको पता आएगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अभी फॉर्म भरे गए थे, और उसके रिलेटेड जो एक पोस्ट है NR14021, इसका जो पहले एग्जामिनेशन का लेवल था, मैट्रिकुलेशन लेवल था, 10th लेवल था, अब उसको अब 10th हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th लेवल, मतलब CHSL लेवल की एग्जामिनेशन उसमें कर दे, CHSL लेवल का पेपर उसमें आएगा। पहली अपडेट ये है। दूसरी अपडेट ये है कि आपको पता होगा कि आपने जो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरा है उसमें सभी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। वहाँ पे इक्का दुक्का वैकेंसीज होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। आपने कई बहुत सारी रिसर्च करके वो एक दो वैकेंसीज को निकाल के फॉर्म भरा, उसकी फ़ीस भरी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, आपने उस प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया, आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की और आप एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएंगी उस समय आपका कॉल लेटर ही नहीं आएगा। उसका कारण है कि एसएससी ने एक नोटिस अपलोड किया है जिसके अकॉर्डिंग MP11421 ये जो रिक्रूटमेंट थी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, इसको कैंसिल कर दिया। मतलब आपने जो फॉर्म भरा इसकी जो फीस गई वो सब वेस्ट गया। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब 10th या 12th लेवल पे, तो अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो उस समय आपका, अगर आपने सिर्फ इसी लेवल का, मतलब आपने मान लीजिए 12th लेवल की एग्जामिनेशन है और आपने 12th लेवल में सिर्फ इसी के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा। तो जो ये अभी ये पहली नोटिस है एसएससी की जिसमें एसएससी ने इस पोस्ट को कैंसिल किया है। आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सारी नोटिस आएंगी जब एसएससी बहुत सारी पोस्ट को कैंसिल कर देगी, एग्जामिनेशन से पहले भी और एग्जामिनेशन कराने के बाद भी। ऐसा एसएससी पहले भी कर चुकी है, तो अपडेट रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाएगा। और दूसरी, अगर आपने झारखंड में इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी वैकेंसी सरकार नहीं निकालेगी, आपको वैकेंसी नहीं दी जाएगी, ये सरकार की सीधी सीधी सीधा सीधा कहना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय